हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते घर में काम होते हुए। यहाँ पे बात करेंगे हम कि घर में जब भी कभी आप वायरिंग कराते हैं, लाइट का काम होता है, तो हमारे घर में क्या होता है ना कि अलग अलग तार इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि बहुत सी अलग अलग थिकनेस की इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कि कोई 1 mm का होता है, कोई 1.5 का, कोई 2.5 का, कोई 4 का, कोई 6 का। तो ये जो थिकनेस होती है तार की, ये अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लाइट के काम के लिए कौन सा रहेगा, हमारा कोई लाइट का पॉइंट दे रहे हैं या फ़ैन का पॉइंट दे रहे हैं या एसी का, गीज़र का, ये सभी पॉइंटों के लिए हमें क्या होता है ना, तार की मोटाई अलग रखनी होती है। अब यहाँ पे होता है क्या है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाते हैं साइड पे काम करने वाले लेबर या ठेकेदार। मैं ये नहीं कह रहा कि लेबर ठेकेदार गलत होते हैं, बट बहुत रियर केस ऐसे भी हो जाते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ भूल के कारण कोई तार गलत जगह इस्तेमाल हो जाता है और आगे चल के उसमें फॉल्ट हो जाता है। अब फॉल्ट होने से नुकसान किसका होगा, जाहिर सी बात है आप ही का होगा अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप मेरी बताई गई नॉलेज को अच्छे से सुन पाएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो कि 0.5 mm का तार भी आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 1 mm पाइए डायरेक्ट, क्योंकि 1 mm का तार जो होता है, अगर तार की जरा सी भी लंबाई होती है हमारी, क्योंकि जो हमारा कोई पॉइंट है वो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, तो फिर हमें तार की मोटाई को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप 1 mm से ही स्टार्ट करें। हमारे घर में जो लाइट होती है, जैसे कि हमारे रूम की लाइट हो गई, कंसील लाइट हो गई, CFL हो गई या बल्ब हो गया, इन सभी पॉइंटों के लिए मैं कहूँगा कि आप 1 mm की मोटाई का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं 1.5 mm पे। तो 1.5 mm में जो हमारे घर में फ़ैन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा फैन पंखे लगते हैं, या फिर आपके कोई एग्जॉस्टेड फ़ैन लगा हुआ है, या पावर पॉइंट है, कहीं आपने पावर पॉइंट दे हुआ है, तो वहाँ पे आप 1.5 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम 2.5 mm के तार पर। तो 2.5 mm के तार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, जैसे मान लीजिए आपका कोई गीज़र का पॉइंट है, ठीक है, रूम में आपने कोई हीटर लगा रखा है, यानी कि थोड़ा हैवी पॉइंट जो हमारे दिए गए होते हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 mm के। तो अब हम बात करते हैं 4 mm का। तो 4 mm का जैसे मान लीजिए कि AC जो आता है हमारा, ठीक है, AC का पॉइंट क्या होता है ना, उसमें थोड़ा बाट ज़्यादा चाहिए होती है, काफ़ी हैवी वायरिंग हमें चाहिए होती है, तो मैं कहूँगा कि 4 mm का तार है वो आप AC वगैरह ही में इस्तेमाल करें, या AC वगैरह की कोई ऐसी चीज़ आपने घर में लगा रखी है जो काफ़ी बाट की है, तो आप वहाँ पर 4 mm का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 mm के तार की। तो दोस्तों, 6 mm का तार जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो डायरेक्ट लाइन आती है, मेन कनेक्शन जो होता है वहाँ से आप रूम के पॉइंट तक ला सकते हैं, एंड देन उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी अलग अलग तारों में, चाहे पंखे में या लाइट में, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वहीं से 2 mm, 1.5 mm, 1 mm। बट अगर मेन करना है आपको, जो तार हमें मेन लाइट से कनेक्ट करना होता है घर में, तो वहाँ पर आप 6 mm का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसके ऊपर जो तार होते हैं वो आप अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, वो आप उसमें ना जाके एक नॉर्मली घर को बनाने के लिए इतनी ही मोटाई के तार इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने बोला 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या आती है, अगर यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जहाँ हमें 1.5 mm करना चाहिए तो वहाँ वो 1 mm कर लेते हैं, या जहाँ 2.5 करना था वहाँ पर वो 1 mm कर लेते हैं, तो इस तरीके से जब लोड आता है तो वहाँ पर फॉल्ट हो जाता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन्हीं सबों का ध्यान हमें रखना होता है। तो यही का सब कुछ था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोग के नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।